हाँ भाई, क्या हाल है भैया? नए साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम सबकी तो उम्मीद थी कि 2020 जैसा भी गुजरा, 21 थोड़ी सी अच्छी खबरें लाएगा। अबे आज अमेरिका में छुपकलियों की तरह चढ़ गए दीवार पे सारे। अमेरिका गया, खल्ली वल्ली हो गया भाई। खैर, तो हमने सोचा यार न्यू ईयर मनाने, थोड़ा सा हम जरा कराची से बाहर जाते हैं। भाई कराची में क्या न्यू ईयर होता है? सी व्यू बंद, बोर्ड बेसन बंद, लाइटें बंद, पुलिस डंडे मार रही है, बाइकें गटर में गिर रही है, गली वली। देखिए, हमेशा कहते हैं ना कि हर प्रॉब्लम के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। अब प्रॉब्लम क्या है जी? कोविड है, ट्रैवल नहीं कर सकते। तो अपॉर्चुनिटी क्या है भाई? बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, अपना मुल्क तो देख सकते हो, तो अपना मुल्क देखो। हमने बोला चलो यार कहीं नहीं जा सकते, बलोचिस्तान ही डिस्कवर कर लेते हैं। तो वास नेक्स्ट ने हमें कहा कि आप उरमारा बीच जरूर जाएं, 5.5 घंटे दूर, सिर्फ कराची से 5.5 घंटे दूर। थाईलैंड के मजे भाई, क्या खूबसूरत बीच थी। मैं आपको चीजा चीजा पॉइंट से लेके चलता हूं। देखे, आपने यहां से निकलना है सुबह के टाइम निकलना है, क्योंकि 5.5 घंटे का रास्ता है, बीच में कुछ ऊंच नीच हो जाती है। जैसे हम गए थे, बीच में प्रोटेस्ट चल रहा था, 2 घंटे हम वहीं फंस गए। किधर का प्लान है? हाँ भाई, उरमारा। ये पानी की बोतलें बांट लो भाई, यार ये लास्ट मिनट तैयारियां होती है ना भाई, ये पकड़ो। हर गाड़ी की एक बोतल रख दो, बाकी सब हो गया। मसला ये हुआ कि पेट्रोल भरवाना भूल गया, सब ऑयल भी हो गया बट पेट्रोल रह गया। तो हमने प्लान किया था कि भाई हम दोस्त यार सारे मिलके चले जाते हैं, सारे यूट्यूबर्स बेकार फिल्म्स वाले और मैं, क्योंकि भाई वो क्रिसमस एंड न्यू ईयर के टाइम ना वीडियोस लोग जरा कम देखते हैं। सारे तो रंगीलो मारो ढोल ना करे, अबे पेंडेमिक में शादियां चल रही है, यहाँ पे फिक्र ही नहीं। हमने बोला खल्ली वली इनको नाचने दो। हमने गाड़ियां डाली, मछली एक, झींगा एक, चिकन एक, ये सारी गाड़ियों में जमा की दोस्त यारों ने, 4 गाड़ियां मिलके। और साथ में फर्स्ट एड बॉक्स कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये रिमोट एरियाज होते हैं, खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो गई, क्योंकि वो फोन के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे होते अक्सर बेशतर। तो फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखना है। साथ में हमने वा स्नैक्स के सारे ही फ्लेवर रख दिए हर गाड़ी में, पोटैटो स्टिक्स, निमको, चेवड़ा, दाल, सब, ताकि चटपटे मजे खाते हुए जाए। और ऐसे ही इस तरह हमारा सफर अच्छा गुजरा। तो भाई चले, पेट्रोल का आपने इस तरह ख्याल रखना है कि मकरान कोस्टल हाईवे से चढ़ने से पहले आपने एक बार फिर फिल कराना है, क्योंकि वहां पे जो मिलता है ना वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। गाड़ी के इंजन में कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं, आप अपनी गाड़ी को बेहतर जानते हैं, तो वो डिसीजन जरूर लीजिएगा इस तरह से। साढ़े 3 घंटे बाद हिंगोल नेशनल पार्क आता है, कुंड मलीर जिसको कहते हैं। वहां पे आपने रुक के थोड़ी तस्वीरें वस्वीरें खींचनी है, वहां पे व्यू पॉइंट अच्छा है। कोशिश करें वापसी में वहां रुक जाए, जाते हुए आपने सीधा वहां पहुंचने की करनी है, क्योंकि आपने वहां का सनसेट नहीं मिस करना। बड़ा ब्यूटीफुल रोड टू ड्राइव ऑन, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और शुक्र है मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। खासतौर पे दिन के टाइम जाना, बीच में जो चटियल मैदान और पहाड़ आते हैं ना, ऐसे पहाड़ आपको लगेगा स्टार वॉर्स की फिल्म में आ गए। और आप ये सोच के हैरान होंगे कि इंसानों ने ये पहाड़ काट के बीच में से रोड निकाले। अबे किस लेवल का काम किया होगा यार, क्या लेवल का मजदूर होगा जिसने वो काम किया है। मजा आ गया। हाँ जी, ये रास्ते में एक व्यू पॉइंट के नाम से हिंगोल में एक आते हैं, जरा व्यू चेक। वो हम बेसिकली अपना फूड साथ लाए, में प्रॉन्स हैं और क्या है सर, फिश है, प्रॉन्स है, चिकन है, चिकन है, बहुत कुछ है। हाँ जी, 5 घंटे का सफर हुआ, 8 घंटे का, बट फाइनली वी आर एट द मोस्ट गॉर्जियस उरमारा बीच। अभी ये नजर नहीं आ रहा, सुबह के व्यूज हैं, वो पीछे जबरदस्त पार्टी शार्टी चल रही है, फैमिलीज आई हुई है, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, दोस्त यारों और बारबेक्यू ना हो, फिश लगाई हुई है मुबीन भाई ने, अम्मी हमारी अपने स्किट में भी अम्मी बनती हैं।
थोड़ी देर बाद न्यू ईयर हो गया और 2021 शुरू हुआ, वही रहा, वही था, कुछ भी नहीं, कोई कुछ तो बदला नहीं, वही 12:59 पे जैसा मैं था, 12:01 पे भी वही था, जैसे जैसे करके हम रात को सोए और सुबह जो हम उठे, हम दोनों, ये एडिटर उठ गया था काम से, इसने टाइम लैप्स ले लिया था बड़ा खूबसूरत सा सनराइज का, मगर मैं आपको बता नहीं सकता, जब सुबह फाइनली उठ के मैंने वो बीच देखा, मुझे यकीन नहीं आया कि मैं कराची से सिर्फ 5.5 घंटे दूर हूँ। आप खुद देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे इस वक्त। बंदा ना बंदे के साथ कचरा भी नहीं, खुदा के वास्ते करता नहीं, अपने थैले साथ लेकर आना, अपना कचरा साथ लेके जाना। पानी के कलर देखो यार, सुभानअल्लाह, ब्लू अलग है, डार्क ग्रीन अलग है, ग्रे भी अलग, इतने सारे कलर नजर आ रहे हैं। पीछे पहाड़ देखे यार, हम बीचेस के लिए थाईलैंड में ख्वार हो रहे होते हैं भाई, ये बन सकता है, थोड़ी सी मेहनत चाहिए यार। ये देखो इतने कलर का पानी और इतना खूबसूरत और साफ सुथरा बीच और सामने पहाड़ पानी के अंदर, मुझे यकीन नहीं आ रहा था यार। अल्लाह ने बहुत दिया इस मुल्क को, बस हम केयर कर ले इसकी, कुछ नहीं करना, बना बनाया है सब यार, कुछ बनाना थोड़ी है हमने, ये अल्लाह ने दिया हुआ है, बस थोड़े से हट्स बनाने, सेफ्टी सिक्योरिटी सफाई सुथराई, $1 बिलियन भाई, टूरिज्म यार, यहाँ से लेके पहाड़ों तक हर मौसम, हर खूबसूरत, हर तरह की खूबसूरती हमारे मुल्क में। बहुत अफसोस होता है यार, बहुत अफसोस होता है। हम बैठे हैं, ये हम गोल्ड माइन के ऊपर खड़े हुए हैं, ये $अरबों के ऊपर हम खड़े हुए हैं, अगर हम इसको कैश करना सीख रहे हैं, इतनी सी बात है यार। एक चीज आपने जरूर करनी है, ओ भाई कचरे के थैले इधर ही से लेके जाने, 100 कितने का मिलता है भाई, 100 रुपए का, ठीक है 50 रुपए का काले थैले वाले, कचरा लेकर आना है, छोड़ के नहीं आना। हट्स वहाँ पे अच्छे बने हुए हैं, काफी अच्छा हमारा टाइम गुजरा, वहाँ स्नैक्स हम खाते रहे, चटपटा माहौल भाई, दोस्ती यारी में जहाँ चार दोस्त बैठे वहाँ मजाक मस्ती, चटपटे जोक्स एक दूसरे को मारते हैं, तो चटपटा फ्लेवर मुंह में होगा तो चटपटे जोक्स आएंगे, तो वहाँ स्नैक्स ने काफी साथ दिया, वापसी में भी आते हुए हम खाते पीते आए। मैं चिंता बोलूँ कब, जरूर जाएं, तैयारी से जाएं, प्रोग्राम बना के जाएं, दोस्त यारों को लेके जाएं, फैमिली के साथ जाएं, बहुत अच्छी जगह है, सफाई सुथराई का ख्याल रखिएगा। ये आंसर छोड़ के आइएगा कि आप एक बड़े शहर से आए थे, पढ़े लिखे लोग आए थे, तो पढ़ा लिखा पना दिखाना भी होता है, खाली पढ़ना लिखना नहीं होता, ठीक है ना। और वास नेक्स्ट जरूर लेके जाएगा आपके हम सफर, आपका साथ, इससे पहले कि खुदा ना खास्ता ये गंदा हो जाए, फौरन जाके चेक करके आए थे, अभी मौसम भी बहुत अच्छा है। सो या बहुत इंजॉय करेंगे आप, एंड थैंक्स वंस अगेन वास नेक्स्ट, आपने हमें बताया इस जगह का और बड़ा मज़ा आया, और इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर चक्कर लगेगा, वहाँ स्नैक्स ले जाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।